यूपी के झांसी में जारी छापेमारी के बीच कानपुर में एक और बड़े कारोबारी के घर आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार सुबह कानपुर में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी राजेश यादव के घर छापा मारा है। माना जा रहा है कि कारोबारी राजेश यादव के घर के भीतर अब भी आईटी विभाग की कार्यवाही जारी है। इस रेड को झांसी में हुई रेड से जोड़ कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार राजेश यादव के रियल एस्टेट कंपनी धनाराम इंफ्रा से संबंधों की बात सामने आ रही है। छापेमारी की कार्यवाही को झांसी से जोड़ कर देखा जा रहा है, जहां आईटी टीम की छापेमारी जारी है। सूत्रों का दावा है कि घनाराम इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता श्याम सुंदर यादव और सुबह से ही वहां आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। फिलहाल कानपुर में भी राजेश यादव के घर के भीतर छापेमारी की कार्यवाही लगातार जारी है और आयकर विभाग की तीन टीमें घर के भीतर दस्तावेजों को खंगालने में लगी हुई है। वहीं आसपास सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स भी तैनात है। घर के किसी भी सदस्य को बाहर निकलते नहीं देखा गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि छापेमारी के वक्त रियल एस्टेट कारोबारी राजेश अंदर थे या नहीं। आपको बता दें कि इधर झांसी में भी बिल्डरों और रियल एस्टेट कारोबारियों और समाजवादी पार्टी के एक नेता के घर आईटी की रेड पड़ी है। कानपुर की इनकम टैक्स टीम ने झांसी में 8 से अधिक कारोबारियों के घर पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। सपा नेता श्याम सुंदर सिंह परीछा, बिल्डर वीरेंद्र राय, राकेश बघेल, विजय सरावगी सहित कई कारोबारियों के यहां आयकर विभाग का एक्शन जारी है। राकेश बघेल भाई साहब से गाड़ी दे चले जाओ देख लो।